इस वीडियो के अंदर हम आपके बैक एक्सरसाइज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लेंगे, जो कि है आपके पेज नंबर 91 पे। हम आपका पहले लेंगे क्वेश्चन नंबर 3.5। क्वेश्चन नंबर 3.5 के अंदर आपको बोला जा रहा है, आपके पास चार पार्ट्स हैं 3.5 वाले क्वेश्चन के, और चारों पार्ट्स में आपको गैल्वेनिक सेल्स दे रखे हैं, और उन गैल्वेनिक सेल्स की हेल्प से आपको नर्स्ड इक्वेशन लिखनी है, और ईएमएफ आपकी नर्स्ड इक्वेशन की हेल्प से आपने कैलकुलेट करनी है। तो आपका पहला पार्ट आपका क्या है, पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं। आपका सारे पार्ट्स में नहीं कराऊंगी, एक पार्ट करा के आपको बाकी पार्ट्स के हिंट दे दूंगी, ठीक है। तो एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है आपका, वो है आपका मैग्नीशियम सॉलिड से आपका जा रहा है मैग्नीशियम आयंस में, और इसकी जो कंसंट्रेशन है मैग्नीशियम आयंस की वो आपकी है 0.001 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन। कॉपर आयंस जिनकी कंसंट्रेशन है 0.0001 मोलर / कॉपर सॉलिड, ये आपको दे रखा है। और आपको इस फर्स्ट पार्ट के लिए ई नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, आपको जो दे रखा है ई नॉट आपको दे रखा है मैग्नीशियम आयन से मैग्नीशियम का -2.37 वोल्ट, और ई नॉट दे रखा है कॉपर आयन से कॉपर का 0.34 वोल्ट। आपको बोला जा रहा है कि नर्स्ड इक्वेशन लिखो, और नर्स्ड इक्वेशन की हेल्प से सेल पोटेंशियल आप कैलकुलेट करो। तो पहले नर्स्ड इक्वेशन लिखने के लिए मुझे इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ओवरऑल इक्वेशन लिखने के बाद में इसकी नर्स्ड इक्वेशन लिखूंगी। तो पहले हम लिखेंगे ओवरऑल इक्वेशन। ओवरऑल इक्वेशन के लिए मुझे पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखना पड़ेगा, फिर रिडक्शन हाफ लिखना पड़ेगा, फिर दोनों हाफ को एड करके मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखूंगी। तो हमें पता है ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड पे आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन हाफ होता है, तो ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ होगा, और राइट साइड पे आपका होता है रिडक्शन हाफ, तो ये मेरा रिडक्शन हाफ होगा। तो पहले मैं ऑक्सीडेशन हाफ आपका लिखती हूँ। ऑक्सीडेशन हाफ में हम देख रहे हैं मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम से Mg2+ आयन में जा रहा है, तो मैग्नीशियम आपका सॉलिड से मैग्नीशियम 2+ आयन में जा रहा है, और आपको पता है कि मैग्नीशियम एलिमेंटल स्टेट के अंदर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है आपकी। तो जीरो से ये +2 में जाएगा, तो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा आपका, ठीक है। ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हम देखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन सॉल्ट ब्रिज के राइट में है, ठीक है। तो यहां पर कॉपर आयंस आपके कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर सॉलिड में, तो यानी कि कॉपर आयंस हैं जो कि एक्वा स्टेट में है, आयंस हमेशा एक्वा स्टेट में होंगे, तो मैग्नीशियम के ब्रैकेट में भी मैंने एक्वस लिख दिया। कॉपर आयंस जो कि एक्वा स्टेट में है दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहे हैं आपके, तो ये मेरी हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर अब हम आपका ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे। ओवरऑल इक्वेशन के लिए रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहां भी दो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां भी दो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए आपके। अब रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करते हैं और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करते हैं ओवरऑल इक्वेशन के लिए। तो ओवरऑल इक्वेशन आपकी क्या आ गई, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कॉपर आयंस एक्वस गिव्स यू मैग्नीशियम आयंस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, तो ये मेरी ओवरऑल इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन की हेल्प से मैं नर्स्ड इक्वेशन लिखूंगी, ठीक है। अब हम ये वाली ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन रब करके मैं इस ओवरऑल इक्वेशन को यहां ऊपर लिख रही हूं, ताकि
बाकी मैं नर्स्ड इक्वेशन इस ओवरऑल इक्वेशन की हेल्प से लिख पाऊं। तो यहां पर हमें यह भी पता लग गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इस रिएक्शन के अंदर कितने इन्वॉल्व है, 2 है, तो यानी कि n की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है, जो हमें ऑलरेडी पता लग गई है। ठीक है, तो अब हम आपकी इस ओवरऑल इक्वेशन को ऊपर लिख देते हैं। क्या थी आपकी, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कॉपर आयंस एक्वस गिव्स यू मैग्नीशियम आयंस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है केमिकल। अब हम आपका नर्स्ड इक्वेशन लिखेंगे। नर्स्ड इक्वेशन क्या होगी, सेल का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के इक्वल होगा, माइनस 0.059 अपॉन n। n की वैल्यू इसके लिए क्या है, 2 है, तो मैं डायरेक्टली 2 लिख देती हूँ। और मैं 0.059 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रूम टेम्परेचर लेके चल रही हूँ, जबकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है या नहीं है, बट अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम उसे रूम टेम्परेचर लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0.059 अपॉन 2 हो गया आपका, 2 जो है ये एन की वैल्यू है आपकी। लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट है आपके मैग्नीशियम आयन और कॉपर, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन, कॉपर क्योंकि प्योर सॉलिड है तो उसकी कंसेंट्रेशन 1 हो जाएगी, तो हमें मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देंगे आपका, अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में आपका कॉपर आयंस और मैग्नीशियम है, तो कॉपर आयंस का कंसेंट्रेशन इनटू मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन लिखेंगे। अब क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन, मैग्नीशियम जो है आपका प्योर सॉलिड है, तो इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी 1, तो हम इनटू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.001, तो अब मैं मैग्नीशियम आयन की जगह पर उसकी कंसेंट्रेशन लिख देती हूँ, तो मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन क्या है आपकी 0.001, तो 0.001 आ गई है वैल्यू। कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन, कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन है 0.001, तो कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन हम नीचे लिख देते हैं आपका 0.001। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका, अब हमें ई नॉट सेल की वैल्यू लिखनी है, तो ई नॉट सेल आपका क्या होगा, ई नॉट सेल होगा आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विल बी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब कैथोड इसमें से कौन सा होगा, राइट वाला, रिडक्शन जिसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड है, तो यानी कि ई नॉट कॉपर का हम क्या लिखेंगे, कॉपर वाला सिस्टम है, कॉपर आयन और कॉपर से मिलके बना है, तो कॉपर आयन पहले लिखेंगे, कॉपर बाद में लिखेंगे, क्योंकि रिडक्शन की फॉर्म में हम दे रहे हैं आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। माइनस एनोड, एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड किससे मिलके बना है, मैग्नीशियम आयन और मैग्नीशियम से मिलके बना है, क्योंकि यहाँ एनोड पर आपकी ऑक्सीडेशन होती है, तो ये वाला आपका एनोड होगा, कैथोड पर रिडक्शन होती है, तो ये आपका कैथोड होगा। अब एनोड आपका मैग्नीशियम आयन और मैग्नीशियम से मिलके बना है, तो हम ई नॉट के सब्सक्रिप्ट में क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम आयन पहले लिखेंगे, मैग्नीशियम बाद में लिखेंगे, क्योंकि कैटायन को हमेशा पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखते टाइम, और न्यूट्रल स्पीशीज को बाद में लिखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आपका इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल है 2.37 माइनस मैग्नीशियम का नहीं, कॉपर का लिखना है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट माइनस मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 2.37। तो ये आपका एक्सप्रेशन किसका आ गया, ई नॉट सेल का आ गया। यहां से ई नॉट सेल हम निकालेंगे और ये वैल्यू आपकी जो कैलकुलेट करके आएगी, ये वैल्यू आपकी
कैलकुलेट करके आएगी 2.71। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब E नॉट सेल की वैल्यू हमारी क्या अभी 2.71 वोल्ट। वोल्ट लिखना जरूरी है V, क्योंकि ये यूनिट है। तो E नॉट सेल हमने लिख दिया 2.71 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2, या आप डायरेक्टली इस E नॉट सेल की जगह पर आप डायरेक्टली 2.71 वोल्ट ही लिख दो। तो सारी हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो यहां से आपका ई सेल आपका कैलकुलेट करके आ गया, ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी ये आएगी आपकी 2.68 वोल्ट। तो ऐसा करके हमने आपका सेल का पोटेंशियल अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमने निकाल लिया। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपका सेल का पोटेंशियल 2.68 वोल्ट हो गया, क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम आयन का कंसेंट्रेशन अदर देन 1 मोलर है और कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन भी अदर देन 1 मोलर है। अब हम आपका लेंगे सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम, सिर्फ हिंट की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी, जहां मुझे लगेगा कि उस पार्ट को एक्सप्लेन करना जरूरी है पूरा तो वहीं एक्सप्लेन करूंगी, हिंट की फॉर्म में बताऊंगी। तो बाकी के पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, लेकिन सिर्फ उनके हिंट्स मैं आपको दे रही हूं यहां पर। सेकेंड पार्ट है आपका, सेकेंड पार्ट में आपका सेकेंड पार्ट में है हमारे पास आयरन से, सेकेंड पार्ट का है हमारा गैल्वेनिक सेल आयरन सॉलिड से आयरन 2+ एक्वस, और इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.001 मोलर सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद आपका दे रखा है प्रोटॉन हाइड्रोजन और प्रोटॉन, ये आपका दे रखा है 1 मोलर हाइड्रोजन 1 बार और फिर प्लैटिनम सॉलिड, यानी कि एक तरीके से ये शी है आपका, शी है जो आपका लगा रखा है आयरन के साथ। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखो। तो नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए मैं सिर्फ आपकी इसकी केमिकल रिएक्शन लिख रही हूं और ओवरऑल इक्वेशन लिख रही हूं, क्योंकि वो लिखने के बाद बाकी का प्रोसीजर आपका वैसे ही है जैसे फर्स्ट वाले पार्ट का है आपका। तो सेकेंड वाले पार्ट के लिए हमें पता है ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट वाला आपका ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ होगा और ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है तो ये एनोड होगा आपका। राइट वाला आपका रिडक्शन हाफ होता है सॉल्ट ब्रिज से तो ये रिडक्शन है और ये आपका कैथोड बनेगा। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन में आयरन सॉलिड से आयरन 2+ में जा रहा है, तो आयरन जो है सॉलिड से आयरन 2+ एक्वस में जा रहा है बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ में प्रोटॉन H+ से हाइड्रोजन में जा रहा है आपका, तो ये आपका H+ से हाइड्रोजन गैस में जा रहा है, H+ आपके एक्वस स्टेट के अंदर है आपके। ठीक है, तो अब क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर दो एटम्स हैं तो हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे दो प्रोटॉन से, एक प्रोटॉन, एक मिनट लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन। हमारा H+ आयंस आपके जा रहे हैं हाइड्रोजन गैस के अंदर, तो यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी आपका हाइड्रोजन गैस में जा पाएगा। ठीक है, पर यहां पर दो हाइड्रोजन एटम है तो यहां पर भी दो होने चाहिए, तो यहां पर 2 कर दिया बैलेंस करने के लिए। तो अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज होगा तो दो प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रलाइज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके होंगे, तो ये दो प्रोटॉन्स दो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बना देंगे। अब हम
दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स से टू इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है तो कोई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की जरूरत नहीं है आपकी। तो हम रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट। तो आयरन सॉलिड प्लस टू प्रोटॉन्स एक्वस गिव्स यू Fe2 प्लस एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब हम आपका ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन आ गई। इस ओवरऑल इक्वेशन को मैं आपका दोबारा ऊपर लिख रही हूं। आयरन सॉलिड प्लस टू प्रोटॉन्स एक्वस गिव्स यू Fe2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। तो अब आपको पता है आयरन अपनी अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो इसका जीरो होगा, और हाइड्रोजन अपनी एलिमेंटल स्टेट है इसका जीरो है, तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारी डिस्प्ले हो रही है। अब हम आपका सेल पोटेंशियल लिखेंगे आपका नर्स्ट इक्वेशन यूज करके। सेल पोटेंशियल क्या किसकी इक्वल होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या आए थे इसके लिए 2 आए थे, एन की वैल्यू 2 आई थी तो हमने 2 लिख दिया आपका। लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट आपका है Fe2 प्लस का कंसेंट्रेशन, यहां पर आपका आ जाएगा गैस है तो गैस का आपको प्रेशर लिखना पड़ेगा। आपको गैस का प्रेशर आपका क्या है, देखो बेटा ये चीज याद रखो, यहां पर अगर कोई गैस आ जाए प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में कोई गैस आ जाए तो उसकी कंसेंट्रेशन की जगह उसका प्रेशर लिखा जाता है, तो यहां पर प्रेशर लिखा जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस का अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में आयरन का कंसेंट्रेशन इंटू प्रोडक्ट इंटू प्रोटोन का कंसेंट्रेशन। अब प्रोटोन का कंसेंट्रेशन का क्या होगा, स्क्वायर होगा क्योंकि इसके आगे 2 लगा हुआ है तो ये 2 हो गया आपका। अब हमें पता है आयरन जो है आयरन प्योर सॉलिड में है तो आयरन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो मैं आयरन की कंसेंट्रेशन को लिख दूंगी 1। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको ऑलरेडी दे रखा है क्या 1 बार, तो आप यहां पर लिख दोगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब मल्टीप्लाइड बाय 1, अब हमें लिखना है फेरस आयन का कंसेंट्रेशन। फेरस आयन का कंसेंट्रेशन 0.001 तो ये लिख दिया हमने। प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन 1 मोलर, प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन 1 मोलर है तो यहां पर हम प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन दे देते हैं तो 1 का स्क्वायर होगा क्योंकि प्रोटॉन का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें ई नॉट सेल लिखना है तो ई नॉट सेल हम आपका निकाल देते हैं। ई नॉट सेल होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड आपका है ये तो ये हो गया ई नॉट एच प्लस से एच टू माइनस आपका एनोड, एनोड है आयरन और आयरन टू प्लस वाला है तो ई नॉट आयरन टू प्लस पहले लिखेंगे क्योंकि वो कैटायन है, फिर उसके बाद हम आयरन लिखेंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है इसे। इसका हमें पता है जीरो होता है, आयरन का आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है आयरन का वो है -0.44 वोल्ट, तो यहां पर आपको ई नॉट की वैल्यू आयरन की ऑलरेडी गिवन है वो है -0.44 वोल्ट, तो माइनस ये हो गया -0.44 वोल्ट। इस वैल्यू को आप यहां पुट करोगे और ई सेल आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगी, रेस्ट पार्ट आप खुद कर सकते हो क्योंकि सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको गिवन है। थर्ड पार्ट के लिए थर्ड
सेकंड पार्ट की तरह ही है, टिन सॉलिड ले लिया हमने स्लैश टिन 2 प्लस आयन, यहाँ पर इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.05 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज की, प्रोटोन की कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.020 स्लैश हाइड्रोजन गैस, उसका यहां पर 1 बार का प्रेशर दे रखा है, और प्लैटिनम सॉलिड ये आपको दे रखा है, और आपको साथ में जो गिवन है वो गिवन है ई नॉट टिन 2 प्लस से टिन का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.14 वोल्ट है, और हाइड्रोजन का तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता ही होता है ई नॉट एच प्लस से एच टू का आपका होता है 0 वोल्ट, ठीक है, ये आपको प्रोवाइडेड है। अब आपको सेम आपको पता है सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज का लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा, राइट वाला रिडक्शन हाफ हो जाएगा, और फिर आप उसकी इक्वेशन लिखोगे जैसे पिछले वाले पार्ट में लिखी थी। तो पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ की लिखते हैं और फिर हम रिडक्शन हाफ की लिखते हैं, ऑक्सीडेशन वाला एनोड बनेगा, रिडक्शन वाला कैथोड बनेगा। तो पहले ऑक्सीडेशन आप लिखते हैं, उसमें टिन जो है टिन 2 प्लस में जा रहा है, टिन सॉलिड है वो टिन 2 प्लस में जा रहा है बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन आप में हम देखेंगे जैसा पिछले वाले पार्ट में हमने किया था, प्रोटॉन्स किसमें जा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस में जा रहे हैं, तो प्रोटॉन्स आपके जो एक्वस स्टेट में है वो आपके हाइड्रोजन गैस में जा रहे हैं। यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम है तो बैलेंस किया हाइड्रोजन एटम को फर्स्ट, 2 प्रोटॉन्स किए, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रिडक्शन के दौरान, तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे रिडक्शन के दौरान और उनका रिडक्शन हो जाएगा। ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करेंगे और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, 10 सॉलिड प्लस 2 प्रोटॉन्स एक्वस गिव्स यू 10 2 प्लस एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आई थिंक द रेस्ट पार्ट इज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस पार्ट, ये वाला जो बाकी का पार्ट है, बाकी का जो रेस्ट पोर्शन रह गया है इसका, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछले सेकंड पार्ट के अंदर किया है। अब ओवरऑल इक्वेशन आ गई है, नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ जाएंगे। ई नॉट सेल आप कैलकुलेट कर लोगे इन दोनों वैल्यूज से, ई नॉट सेल भी आ जाएगा, कंसेंट्रेशंस आपको प्रोवाइडेड है, बस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के लिए जब लिखोगे तो प्रेशर जरूर लिखना इसका, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस जो कि 1 हो जाएगा आपका, कंसेंट्रेशन की जगह प्रोडक्ट में हम क्या लिखेंगे आपका हाइड्रोजन, क्योंकि एक्वस में तो है नहीं, तो ये तो आपका गैस है, एक्वस में होता तो कंसेंट्रेशन लिखते हैं, गैस का क्या होता है प्रेशर होता है, तो हम प्रेशर लिखेंगे जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में किया। तो बाकी का रेस्ट पोर्शन सारा सेम है, तो इसको मैं आपका होमवर्क के लिए दे रही हूं आपका। नेक्स्ट आपका पार्ट है वो हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका पार्ट है फोर्थ पार्ट आपका, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको गैल्वेनिक सेल जो दे रखा है वो दे रखा है प्लैटिनम सॉलिड ब्रोमीन लिक्विड पीआर माइनस 0.010 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज प्रोटॉन्स 0.030 मोलर स्लैश हाइड्रोजन गैस 1 बार स्लैश प्लैटिनम सॉलिड आपको गिवन है ई नॉट, गिवन है आपको ब्रोमीन से ब्रोमाइड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.08 वोल्ट गिवन है,
और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 वोल्ट गिवन। अब अगेन हम इसका सेम वैसे ही करेंगे। सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट का लेफ्ट, सॉल्ट ब्रिज का लेफ्ट वाला आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ होगा, तो ये एनोड होगा। और सॉल्ट ब्रिज के राइट वाला आपका क्या है, रिडक्शन हाफ है, तो ये आपका कैथोड बनेगा, क्या कैथोड होगा आपका। ठीक है, तो पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ में आप देखोगे ब्रोमीन जो है आपका, ये देखो क्लास, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इन्होंने जो यहां पर गैल्वेनिक सेल दे रखा है, लेट मी रीच इट, उसमें इन्होंने ब्रोमीन पहले लिखा हुआ है और ब्रोमाइड आयन बाद में लिखा है, तो इट इज अ मिस्टेक हियर। ब्रोमाइड शुड कम फर्स्ट एंड देन ब्रोमीन शुड, तो ये इंटरचेंज होने चाहिए। तो ये आपका एक एनसीईआरटी में मिस्टेक है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन में आप ब्रोमाइड पहले लिखोगे, एना जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनायन पहले लिखा जाता है और न्यूट्रल स्पीशीज बाद में लिखी जाती है। तो ब्रोमाइड आयन आपका है 0.010 मोलर / ब्रोमीन लिक्विड। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब हम लिखेंगे, क्योंकि हमें नर्व के इक्वेशन की हेल्प से मतलब हमें जो है पूरे सेल की ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है और नर्व का इक्वेशन की हेल्प से सेल पोटेंशियल लिखना है, तो पहले हम पूरे सेल की ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे। तो उसके लिए ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ में आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली एनायन आपका लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूट्रल स्पीशीज है वो तो गेन करती है, गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स। अगर न्यूट्रल स्पीशीज को ब्रोमीन को ब्रोमाइड आयन में जाना है तो ब्रोमीन को तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तब वो आपका ब्रोमाइड आयन में जाएगा, है ना। और अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो आपको ब्रोमाइड आयन से इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा एनायन से। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ब्रोमाइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ब्रोमीन लिक्विड में आ रहा है। तो यहां पे आप देखोगे ब्रोमाइड आयन्स जो कि एक्वा स्टेट में है, आयन है तो ऑब्वियसली एक्वा स्टेट में है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ब्रोमीन में आपका कन्वर्ट हो रहा है, ब्रोमीन लिक्विड में आपका कन्वर्ट हो रहा है, क्या करके, इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो हमें देखना है। यहां पर एक ब्रोमाइड आयन है, यहां पर दो ब्रोमीन एटम है, तो पहले तो मैं ब्रोमीन को ही बैलेंस करूंगी, ब्रोमीन यहां दो है, यहां पर एक है, तो दो करो इसको भी। ठीक है, तो एक ब्रोमाइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो दो ब्रोमाइड आयन आपके दो मोल इलेक्ट्रॉन आपके लूज करेंगे आपके। ठीक है, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन हाफ। उसके बाद हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ तो वही है, प्रोटोन आपके इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में जा रहे हैं, आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, तो प्रोटोन जो कि एक्वा स्टेट में है वो आपके इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक, तो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए। अब एक प्रोटोन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका रिडक्शन जाएगा, तो दो प्रोटोन दो इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका रिडक्शन जाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे आपकी। ठीक है, तो अब आप ओवरऑल इक्वेशन के लिए आप देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है किसी इक्वेशन को, यहां भी दो इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी दो इलेक्ट्रॉन्स, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे एडिशन करने पर, तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करो, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करो, तो रिएक्टेंट हो गया ये आपका 2Br माइनस एक्वस प्लस 2 प्रोटॉन्स एक्वस गिव्स यू ब्रोमीन लिक्विड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इस इक्वेशन को मैं एक बार ऊपर लिख रही हूं आपका। अब यहां पे पहले ये देख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि दो नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो एन की वैल्यू हमने निकाल ली 2। ठीक है, तो अब मैं नीचे वाली पूरी इक्वेशन ऊपर लिख रही हूं। तो ये हो गई 2Br- aqueous + 2 प्रोटॉन्स
ions aqueous gives you bromine liquid plus hydrogen gas. तो ये आपकी पूरी केमिकल इक्वेशन हो गई. अब इस केमिकल इक्वेशन का यूज करके हम सेल पोटेंशियल की सेल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखेंगे. तो सेल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन नॉस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ई सेल विल बी इक्वल्स टू होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन होता है. एन की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2 हो गई. लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट आपका क्या है, ब्रोमीन लिक्विड है तो ब्रोमीन लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन. हाइड्रोजन गैस है तो आपको पता है गैसेस का कभी भी कंसंट्रेशन नहीं लिया जाता, उनका हमेशा प्रेशर लिया जाता है. तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस लिख दिया अपॉन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ब्रोमाइड आयन का कंसंट्रेशन. ब्रोमाइड आयन के साथ में 2 है तो पावर 2 लग गई आपकी. फिर प्रोटोन का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में आपका, अब साथ में 2 लगा हुआ है तो पावर 2 लग गई आपकी. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है. पहले ई नॉट सेल को हम अलग से यहां पर निकाल लेते हैं. ई नॉट सेल क्या बनेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. तो कैथोड आपका क्या है, ये है, यानी कि कैथोड में आपका प्रोटोन, कैथोड वाला जो सिस्टम है वो प्रोटोन और हाइड्रोजन का सिस्टम है. तो प्रोटोन हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे हम, प्रोटोन और हाइड्रोजन का सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड. एनोड आपका क्या है, ब्रोमीन वाला सिस्टम है. अब ब्रोमीन में आपका का जो सिस्टम है वो ब्रोमीन और ब्रोमाइड आयन से मिलकर बना हुआ है. आपका ब्रोमीन वाला जो सिस्टम है वो ब्रोमाइड आयन और ब्रोमीन से मिलकर बना हुआ है. तो हमें पता है जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर आपका ई के साथ जब हम नीचे लिखते हैं, सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं, तो हम उस चीज को रिडक्शन की टर्म्स में लिखते हैं. तो हमें पता है अगर कैटायन और न्यूट्रल स्पीशीज होती है तो कैटायन को पहले लिखते हैं और न्यूट्रल स्पीशीज को बाद में लिखते हैं. और नीचे अगर आपका एनायन और न्यूट्रल स्पीशीज होती है तो न्यूट्रल स्पीशीज को पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में लिखते हैं. तो न्यूट्रल स्पीशीज ब्रोमीन और ब्रोमाइड वाले सिस्टम में कौन सी होगी, हमारी ब्रोमीन होगी. तो पहले ब्रोमीन लिखेंगे फिर हम ब्रोमाइड लिखेंगे. इसका मतलब क्या है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करके ब्रोमाइड में जा रहा है, ये वाली प्रोसेस के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपका लिखेंगे. और ये वाली प्रोसेस आपकी क्या है, रिडक्शन की प्रोसेस है, क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका ब्रोमाइड में जाएगा एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन प्रोसेस. तो यानी कि ये प्रोसेस रिडक्शन की प्रोसेस का ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. इसका मतलब ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि नॉट लगा है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड स्टेट में है. तो अब आपको पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपका क्या होता है, 0 वोल्ट होता है, आपको पता ही है. माइनस ब्रोमीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्या गिवन है, आपका आपका गिवन है 1.08 वोल्ट. तो ये हो गया 1.08. तो यहां से E नॉट सेल आ गया हमारा कैलकुलेट करके माइनस 1.08 वोल्ट. ठीक है, तो यहां पर वोल्ट जरूर लगाना है. तो यहां से ये वैल्यू हम यहां लिख रहे हैं, E नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1.08 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ. अब ये ब्रोमीन का कंसंट्रेशन, ब्रोमीन क्या है, प्योर लिक्विड है. प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा हमारा 1 होता है, ये हमें पता है. तो ये 1 हो गया मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आपको गिवन है यहाँ पर 1 bar. तो ये हो गया 1 bar अपॉन ब्रोमाइड आयन का कंसंट्रेशन. ब्रोमाइड आयन का कंसंट्रेशन गिवन है आपको 0.0010. अब इसका स्क्वायर है तो यहां पर हमने स्क्वायर लगा दिया इनटू प्रोटोन का कंसंट्रेशन. प्रोटोन का कंसंट्रेशन है आपका 0.030. तो ये हो गया 0.030, इसका स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर हो गया. तो ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके आपका जो सेल पोटेंशियल आएगा कैलकुलेट करके, ये फाइनली आएगा आपका 1.288 वोल्ट. ये आपका सेल पोटेंशियल आपका आएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3.5 कंप्लीट. अब हम आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3.4.
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3.4 जो कि आपका पेज नंबर 91 पर ही है, एनसीईआरटी की बैथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.4। इसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इक्वेशंस आपको गिवन है, केमिकल इक्वेशंस, और आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन ये कैलकुलेट करनी है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी आपको कैलकुलेट करना है, और आपको आपको ई नॉट की वैल्यूज गिवन है, ई नॉट की वैल्यू आपको गिवन है क्रोमियम 3+ से क्रोमियम की गिवन है -0.74 वोल्ट, ई नॉट कैडमियम आयन से कैडमियम का गिवन है -0.40 वोल्ट, और ई नॉट सिल्वर आयन से सिल्वर का गिवन है आपका 0.80 वोल्ट, और ई नॉट फेरिक आयन से फेरस का गिवन है आपका 0.77 वोल्ट। और आपका दो पार्ट है इसके, पहले हम पहला पार्ट करेंगे फिर दूसरा पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 2 क्रोमियम सॉलिड प्लस 3 कैडमियम आयन्स एक्वस गिव्स यू 2 क्रोमियम 3+ एक्वस प्लस 3 कैडमियम सॉलिड, ठीक है। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन है, तो हम आपका इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट आप खुद कर सकते हो, ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस भी कर सकते हो आप सेकेंड पार्ट। केमिकल इक्वेशन ज्यादा बात है मैं वो आपको बता दूंगी। क्रोमियम जो है उस वो एलिमेंटल स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, कैडमियम भी एलिमेंटल स्टेट में है इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। तो अगर आप देखो आपको सबसे पहला काम है ई नॉट सेल निकालना, ई नॉट सेल आपका क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो आपको पहले कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा किस पर रिडक्शन हो रही है और किस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जानने के लिए आपको सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन की, तभी आप जान पाओगे किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है किस पे रिडक्शन हो रही है और कौन सा एनोड बन रहा है और कौन सा कैथोड बन रहा है। तो यहां पर अगर आप देखो तो जो क्रोमियम है वो आपकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसका मतलब इसका आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो ये आपका क्या बनेगा, एनोड बनेगा। सिमिलरली कैडमियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है आपका, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है इसका रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि ये आपका क्या बनेगा, कैथोड बनेगा आपका, ठीक है। तो अब हमें कैथोड और एनोड आपके पता लग गए, तो अब मैं आपका जो है ई नॉट सेल आपका कैलकुलेट कर सकती हूँ आपका। तो ई नॉट सेल आपका क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड आपका क्या है, कैथोड है आपका कैडमियम वाला, इसका रिडक्शन हो रहा है, कैथोड है आपका कैडमियम वाला, तो यानी कि ई नॉट क्या लिखोगे, कैडमियम आयन से कैडमियम जा रहा है आपका, तो कैडमियम आयन पहले लिखेंगे कैडमियम बाद में लिखेंगे, माइनस ई नॉट एनोड। एनोड आपका किसका बना हुआ है, क्रोमियम और Cr3+ का बना हुआ है आपका, तो कैटायन पहले लिखेंगे फिर न्यूट्रल स्पीशीज लिखेंगे, तो Cr3+ पहले लिखेंगे फिर क्रोमियम लिखेंगे। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो कैडमियम वाले की आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पर गिवन है, -0.40 वोल्ट, माइनस क्रोमियम की आपको वैल्यू गिवन है आपको -0.74, तो ये हो गया -0.74। तो यहां से आपका ई नॉट सेल आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा ई नॉट सेल 0.34 वोल्ट, ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी 0.34 वोल्ट। तो हमने ई नॉट सेल आपका कैलकुलेट कर दिया, यहां पे मैं लिख देती हूँ ई नॉट सेल हमारा कैलकुलेट करके आ गया 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो यहां हम 0.34 वोल्ट ई नॉट सेल हमने कैलकुलेट करके लिख दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है,
नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट आपका किसके इक्वल होगा, डेल्टा जी नॉट होगा माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट से। एन की वैल्यू मुझे पता नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी एफ फैराडे कांस्टेंट होता है, 96500 लिख दिया उसकी जगह, इंटू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हम अभी कैलकुलेट किया हमने इसका, वो आया 0.34। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली एन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर एन आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप डेल्टा जी नॉट निकाल लोगे। तो एन के लिए मुझे ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं लिखती हूँ आपकी ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, क्रोमियम ऑक्सीडेशन, ये है आपका ऑक्सीडेशन। उसके अंदर क्रोमियम जो है Cr3+ में जा रहा है आपका। तो क्रोमियम जो कि सॉलिड स्टेट में है और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ये आपका 3+ में जा रहा है एक्वस स्टेट में बाय लूजिंग ऑफ कोर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका रिडक्शन का रिएक्शन। रिडक्शन की रिएक्शन में कैडमियम 2+ से किसमें जा रहा है, कैडमियम जीरो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। और ये आपका रिडक्शन का है क्योंकि दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। तो कैडमियम 2+ से कैडमियम जीरो में जा रहा है। तो कैडमियम 2+ जो कि एक्वस स्टेट में है, ये आपका जा रहा है कैडमियम जो कि सॉलिड स्टेट में है और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो 2+ में है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका कैडमियम जीरो के अंदर जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने देखा इसके 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, इसके 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों को बैलेंस आउट करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर उसके बाद ओवरऑल इक्वेशन लिखूंगी। जब मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखूंगी तो इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से, और ऊपर में भी, ऊपर वाली इक्वेशन में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड कर देंगे और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को और इस फिर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड किस तरीके से करेंगे, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड होगा और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 क्रोमियम सॉलिड + 3 कैडमियम आयंस एक्वस गिव्स यू 2 Cr3+ एक्वस + 3 कैडमियम सॉलिड। तो हमने देखा हमारी ओवरऑल इक्वेशन वही आ गई जो हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो जो हमें प्रोवाइडेड थी, और ये वाली दोनों इक्वेशन मैच कर गई। इसका मतलब हमने ऑक्सीडेशन ऑफ और रिडक्शन ऑफ बिल्कुल ठीक लिखा है। और यहां से हमारी n की वैल्यू भी आ गई, क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल क्या हो गए, 6, इसके भी 6 और इसके भी 6। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा। तो यहां पर हमने 6 लिख दिया, 6 लिखते ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके आएगी, यहां से कैलकुलेट करके आएगी आपकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -196860 जूल्स पर मोल। ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके आ गई। तो डेल्टा जी नॉट आ गई, हमने कैलकुलेट कर दिया, जो हमारा कैलकुलेट करके आ गया -196860 जूल्स पर मोल। तो डेल्टा जी नॉट आर भी हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमें निकालना है के सी। तो के सी का हमारा फॉर्मूला होता है, हम वो लगाएंगे आपका, क्योंकि मुझे के सी निकालना है। मुझे ई नॉट सेल मैं ऑलरेडी इस सिस्टम का निकाल चुकी हूं, तो ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करने वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो हम यूज करेंगे। यहां पर हमें पता है कि ई नॉट सेल आपका होता है 0.059/n (log KC). तो यहां से अगर log KC हम निकालेंगे तो ये n की वैल्यू यहां पर क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ठीक है, और log ये वाली वैल्यू आपकी इसके साथ डिवाइड में चली जाएगी। तो log KC किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0.059 आपका यहां डिवाइड में चला गया 0.059। तो हमारा आ गया आपका log KC इज इक्वल टू दिस। तो यानी कि आपका आ गया log KC इज इक्वल टू दिस, या इसको मैं लिख सकती हूं log of KC इज इक्वल टू
एन इन टू ई नॉट सेल अपॉन 0.059। ठीक है, यहां से अगर कैसे निकालना हो तो कैसे होगा, अगर log x y के इक्वल है, हमें पता है अगर log x y के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा, एंटी log ऑफ दिस y, एंटी log ऑफ y। तो y है मेरा ये, केसी मेरा है x, तो ये x मुझे निकालना है, तो ये क्या होगा एंटी log ऑफ y, क्योंकि log x इज इक्वल टू y वाली इक्वेशन है ये, तो ये हो गया एंटी log ऑफ n इंटू E not cell upon 0.059। अच्छा क्लास, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले की टर्म्स में भी याद कर सकते हो, अगर E not cell गिवन है तो हमारा KC होगा एंटी log ऑफ n इंटू E not cell अपॉन 0.059, आपको ऊपर का करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है, KC किसके इक्वल है, एंटी log ऑफ n, n की वैल्यू यहां पर क्या थी 6 इंटू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल हम निकाल चुके हैं 0.34 वोल्ट अपॉन 0.059। अच्छा यहां पर हम 0.059 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें रूम टेम्परेचर प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम उसको 298.15 केल्विन ही लेके चलते हैं, तो उस केस में ये वैल्यू आपकी 0.059 ही आती है, बता चुकी हूं ऑलरेडी पहले पिछले वीडियोस में मैं आपको। ठीक है, तो यहां से केसी की वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके आएगी 3.192 × 10^34। ठीक है, तो ये आपका हमने केसी भी निकाल दिया। अब आपका इसी तरीके से सेकंड पार्ट आपका है, सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ सेकंड पार्ट का ओवरऑल केमिकल इक्वेशन, मतलब सिर्फ आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करके बता रही हूं, बाकी सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट है आपका इसी क्वेश्चन का 3.4 का सेकंड वाला पार्ट है, फेरस आयंस एक्वस प्लस सिल्वर आयंस एक्वस कन्वर्ट हो रहे हैं फेरिक आयन एक्वस और सिल्वर सॉलिड के अंदर, क्योंकि सिल्वर एलिमेंटल स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जीरो। अब आपको पहले ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट सेल के लिए आपको कैथोड एनोड चाहिए, तो उसके लिए आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको एन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी अगर आपको डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है, तो मैं आपका पूरा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ आपको पूरा बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन जो है अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में जा रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया और ये आपका एनोड बनेगा। यहाँ पर सिल्वर आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, तो ये आपका रिडक्शन हो रहा है आपका, और ये आपका कैथोड बनेगा। तो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखूं, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आयरन +2 से +3 में जा रहे हैं, तो आयरन जो होगा +2 से +3 में जाएगा एक्वस स्टेट के अंदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन रिएक्शन लिखें तो सिल्वर जो है +1 से सिल्वर 0 में जा रहा है, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन में जा रहे, इलेक्ट्रॉन गेन करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है इसका। तो हम कैसे लिखेंगे, सिल्वर आयन्स जो कि एक्वस स्टेट में है इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर सॉलिड स्टेट में आ रहा है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। तो +1 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन है, तो ऑब्वियसली सिल्वर आयन्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, सिल्वर आयन्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तभी रिडक्शन में जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो अब हम आपका ओवरऑल इक्वेशन लिख देते हैं। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं, और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए आपके, 1 हो गए आपके, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो हम देखेंगे आपकी यही ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। तो करके देख लेते हैं, आपका कंफर्म हो जाएगा कि हमने दोनों रिएक्शंस ठीक लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। तो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड किए, फेरस आयंस में सिल्वर आयन्स एक्वस ऐड कर दिया, और फेरिक आयन्स एक्वस में
सिल्वर सॉलिड ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये वही आ गई इक्वेशन जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी, इसका मतलब हमने सब कुछ ठीक किया है। तो अब हमें कैथोड भी पता है, एनोड भी पता है। कैथोड मेरा क्या है, आपका सिल्वर का है, सिल्वर का हमारा कैथोड है, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है। और Fe2+ और Fe3+ वाला हमारा क्या है, एनोड है, तो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हमें प्रोवाइडेड है। तो कैथोड और एनोड दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल हमें प्रोवाइडेड है। इसकी इन दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से हमारा ई नॉट सेल निकल जाएगा, आपका ई नॉट सेल आ जाएगा, तो फिर डेल्टा जी नॉट आर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जैसे पिछले पार्ट में हमने किया, -NF(E0)सेल, एन की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ई नॉट सेल हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, उसको इसमें पुट कर देंगे, एफ हमें पता ही होता है 96500 कूलम, डेल्टा जी नॉट आर आ जाएगा। फिर हम केसी का फॉर्मूला लगा करके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लगा करके फॉर्मूला, वो हम आपका आगे फर्दर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पिछले वाले पार्ट की तरह ही आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया आपका। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के क्वेश्चंस लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे।